Hey guys, welcome to Clash of Clans Fanatics. This is Ritika and I'm back with a new video of PUBG. So guys, season 11 जो है कुछ ही दिनों में आने वाला है. So नए अपडेट में जो जो चीजें आने वाली हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. So let's begin the video. सो सबसे पहले हम गन की बात कर लेते हैं. जो अभी ये उजी हम यूज़ करते हैं, उजी में भी चेंज आ रहा है. एक आयरन साइट का चेंज आ रहा है. आयरन साइट थोड़ी इसमें चेंज होने वाली है. साइड व्यू से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अलग सी दिख रही है यहाँ पे गन. जो उसका आयरन साइड है बेसिकली जैसे राउंड सा होता है तो वो आपको सीधा फ्लैट दिखेगा. वो जो आपको राउंड दिखता है वो नहीं दिखेगा. तो थोड़ा सा आयरन साइट में चेंज है. आई थिंक जो अभी है चल रहा है वो ज़्यादा बेटर है. जो आएगा मुझे तो नहीं पसंद. मैंने देखा है बट मुझे नहीं पसंद आया. सो इस तरीके का दिखेगा. बाकी सीज़न 11 के जो भी रिवॉर्ड्स हैं मैं ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ. स्टिल मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये आपको मिलेगा. जो भी गोल्ड टीयर पे आपको ये आउटफिट मिलने वाला है. यहाँ पे आपको MK14 की स्किन मिलेगी डायमंड टीयर पे. और ये जो भी हमेशा नॉर्मल होता है वैसे ही बेसिक ही है. पैराशूट मिलेगा आपको. एंड मैं आपको आउटफिट की भी एक क्लियर इमेज दिखा देती हूँ. तो ये आउटफिट मुझको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. पहले वाले आउटफिट से ज़्यादा बेटर है क्योंकि पहले वाला तो ऐसा लग रहा था जैसे क्लैन में आपको मिलता है उसी तरीके का आउटफिट लग रहा था. इस बार का आउटफिट बेटर है. आई एम टेलिंग यू सीज़न 10 से सीज़न 11 मच मच बेटर है. सीज़न 10 में तो बहुत ही कूड़ा था. इस बार बेटर करा है काफ़ी हद तक. सो अब हम बात कर लेते हैं गन स्किन्स की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गन स्किन्स जो हैं ये आपको एक M762 की दिख रही है, एक M4 की दिख रही है और एक पैन की स्किन दिख रही है. ये तीन स्किन्स जो हैं वो अभी तक रिवील हुई हैं जो आएंगी. और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैकपैक भी है, एक हेलमेट की स्किन भी है. अब इसमें से कुछ चीज़ें तो क्रेट में निकल जाएंगी, मतलब वो तो आपको मिलने से रही. कुछ चीज़ें जो हैं वो रहेंगी उसके अंदर. सो पैन की स्किन भी अच्छी है, M762 की भी अच्छी लगी, M4 की. तीनों स्किन्स मुझको बहुत अच्छी लगी बट एक ही चीज़ का डर है कि ये RP क्रेट्स में ना आ जाए. एंड आई थिंक वैसे ही होने वाले. एनीवेज जो आपको ये चीज़ मिलती है आपको पता है ये 60 UC, 120 UC, 180 UC, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ मिलता है परचेज़ करने पे. तो ये आपको मिलने वाला है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सीज़न 11 के परचेज पे आपको जो बोनस मिलेगा वो ये आउटफिट एंड ये जो भी टोपी है ये आपको मिलने वाली है. साथ ही साथ आपको यहाँ पे नया TDM का गेम मोड देखने को मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं अरीना ट्रेनिंग करके एक आया है और दूसरा आया है डोमिनेशन करके. अरीना ट्रेनिंग जो है आपके जो भी वेयर हाउस है उसी में ही होगा. जो डोमिनेशन मोड है वो आपको एक नए मैप पे, एक नए TDM मैप पे देखने को मिलेगा. एंड इस TDM मैप को देख के मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ की याद आई, दैट इज़ इन्फेक्शन मोड. अगर आप इसको ध्यान से देखो ये मैप आपको इन्फेक्शन मोड वाला मैप नहीं लग रहा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है. क्योंकि मुझको तो ये इन्फेक्शन मोड, आई थिंक ये 90% तो इन्फेक्शन मोड वाला ही है. थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने करे हैं बट आई थिंक 90% तो वही वाला मोड लग रहा है. मेरे को ज़रूर बता देना. तो अब सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, अब हम रॉयल पास को भी देख लेते हैं. सो रॉयल पास जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. ये जो है रॉयल पास सीज़न जो 11 है उसका कुछ इस तरीके का लोगो है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटफिट है दैट इज़ द 100 RP आउटफिट जो आपको देखने को मिलेगी. अब एक क्लियर विजन तो मेरे को भी नहीं मिला है इस इमेज को देखकर, क्योंकि पूरी इमेज नहीं है बट जहाँ तक है मुझे मतलब इतनी चीज़ की तो कन्फर्मेशन है. जो भी सीज़न 10 में आया है उससे तो कई गुना बेटर है सीज़न 11. और उसमें कुछ भी चीज़ आई है बहुत बेटर है क्योंकि सीज़न 10 में लिटरली मुझको कुछ भी पसंद नहीं आया. जो भी RP की चीज़ें थी उसमें कुछ भी, इनफैक्ट सीज़न जो 100 RP आउटफिट था वो भी मुझे बहुत बकवास लगा ऑनेस्टली सेइंग. इस बार काफ़ी चीज़ें अच्छी है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो क्लियर इमेज आएगी तो उसमें भी जो सीज़न 11 की आउटफिट है वो अच्छी होगी 100 RP वाली. यहाँ पे आपको एक अवतार नया मिल जाएगा, देख सकते हो. वो आपको हमेशा रॉयल पास में मिल जाता है, बीच में ही कहीं पे मिलता है 30, 40 या 50 RP के टाइम पे आपको मिल जाता है. सो सीज़न 11 का जो भी अवतार है वो ये होने वाला है. साथ ही साथ आपको एक फ्रेम भी मिलता है. तो जो फ्रेम है वो इस तरीके का दिखेगा. फ्रेम काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि जो भी सीज़न 11 का जो भी आपको फ्रेम दिख रहा है. दो फ्रेम है, एक तो सीज़न 11 लिखा हुआ आप देख सकते हो और दूसरा जो है ये स्पेशल वाला मिल रहा है. अब ये सेकेंड वाला तो RP वाला है. फर्स्ट वाला शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी क्राउन पे रिवॉर्ड मिलते हैं शायद ये वाला मिले. नॉट श्योर ये किस में आने वाला है बट ये दोनों जो हैं वो आपको सीज़न 11 में देखने को मिलेंगे.
पर शायद इस सीज़न आपको एक बैड न्यूज़ मिले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 850 रुपीज़ जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे इस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए। आप पहले तो कम लगते थे, अब इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, अगर बढ़ा दिया तो आपको और ऐड करने पड़ेंगे यूसी। अदरवाइज़ तो ये होता था कि आपको 600 यूसी मिले एंड अगले सीज़न के लिए आपने वही 600 यूसी जो है वो लगा लिए, बट अब शायद आपको और ऐड करने पड़ सकते हैं अगर ज़्यादा ये मांगेंगे तो। मेरे ख्याल इस बार तो मैं भी नहीं लूँ, क्योंकि हर बारी ये ऐसे यूसी कर करके बहुत यूसी निकल जाते हैं। एनीवेज आपको यहाँ पे कुछ इमोट्स भी देखने को मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये एमवीपी का मिलने वाला है, एक सेल्फी करके नाम है, सेल्फी खींच रही है ये जो भी कैरेक्टर है, तो आप वो देख ही सकते हो, ये एमवीपी का इमोट होगा। सीज़न 11 के जो भी इमोट्स है, ये वाला एक इमोट आपको मिलने वाला है, बहुत ओपी इमोट लगा ये वाला मेरे को तो। तो ये इमोट काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप कि कुछ नेड की तरह फेंका एंड उसके बाद ऐसे, मतलब मेरे को बड़ा पसंद आया इस तरह का जो भी इमोट है कि इसने पीछे से फेंका एंड उसके बाद नेड जो है वो फटा। इससे अगर आपको याद हो, इससे थोड़ा बहुत सिमिलर चाइनीज़ वर्जन में भी है, मैंने आपको दिखाया था कि उसने एक क्लाउन ने फेंका था ऐसे करके ग्रेनेड, तो वही चीज़ है। उसके बाद दूसरा इमोट यहाँ पे आप एक और देख सकते हो, ये वाला इमोट भी आया है। मैं आपको एक्चुअली तीन चार इमोट्स है तो मैं सारे ही दिखा देती हूँ। गाइज सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।